नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र में आज दोबारा शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा, पहुंचेंगे सिंधुदुर्ग। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के 20 वर्षीय छात्र की जमकर की सराहना, छात्र ने मोदी को चिट्ठी के साथ भेजी पेंटिंग। बिहार में चिराग पासवान ने कहा, पारस हमेशा रहेंगे मेरे चाचा, उन्हें धमकी मिलने से मुझे चिंता, जांच कराए सरकार। जालौन में 100 साल पुरानी इमारत में बनाई जा रही लाइब्रेरी, कल्याण सिंह और इंदिरा गांधी कर चुके हैं सभाएं। योगी सरकार ने जारी किए आदेश, पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा 356 व 189% महंगाई भत्ता। महाराजगंज के ब्रजमनगंज कस्बे में अमित चौबे की अगुवाई में व्यापारी उत्पीड़न पर गर्जे छपाई। बताते चले, ब्रजमनगंज क्षेत्र के रॉयल रेस्टोरेंट पर हुए विवाद में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध समाजवादी खेमे के व्यवसायी लामबंद हुए तथा बैठक पर पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए व्यापारियों के उत्पीड़न पर विरोध जताया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ पहुंचकर दुकानदार तथा उसके सहयोगियों को थाने ले जाकर करीब 5 घंटे बैठाने के बाद सुलह समझौता कराकर छोड़ दिया, जिसके पश्चात बृहस्पतिवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बोलते हुए अमित चौबे ने स्थानीय थाना अध्यक्ष को भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने को लेकर कटान किया तथा चेतावनी देते हुए कहा, यदि थाना अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बैठक के कार्यक्रम में नगर के व्यवसायियों की सहभागिता बढ़ चढ़कर हुई। जिस तरीके से शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा फरंदा विधानसभा में, थाना बिजवगंज में कल एक आर्यन नाम से एक होटल है, वहाँ रॉयल होटल है, वहाँ पे माननीय विधायक फरंदा के भतीजे और बधानी ब्लॉक प्रमुख के सुपुत्र, ये 5-6 लोग आते हैं उस ढाबा रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और पैसों को लेन देन करके विवाद होता है। और सोचो आप, लोकतंत्र में कितना बड़ा बुरा दिन चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है कि दरोगा पैरोकार कर रहा है, कि दुकानदार दोषी या खाने वाला निर्दोष है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जब विवाद होता है तो दोनों पक्ष को लाकर बैठाया जाता है, लेकिन कमलेश प्रताप सिंह सचो बिजवगंज ने एक तरफा, चूंकि माननीय विधायक जी के रिश्तेदार भी हैं बीजेपी में, उनके रिश्तेदार, उनका यहाँ ससुराल भी है, ये इतना मोटा चश्मा सत्ता का पहने हैं कि एक पक्ष को छोड़ देते हैं, जो पीड़ित परिवार व्यापारी होता है उनके पड़ोसियों को रात ला के हवालात में बंद करते हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कल दोपहर से ही हटी थी। अंत में प्रशासन, जब परिवार ने मन मना लिया कि कल चक्का जाम होगा, चक्का जाम को देखते हुए कमलेश प्रताप सिंह ने रात में 9 बजे, पता नहीं किस दबाव में, अधिकारियों दबाव में या जनता के दबाव में, तो उस परिवार को जबरन लाके उसको फिर उन्होंने छोड़ने का काम किया। इसी मुद्दे को लेकर बिजवगंज के सारे व्यापारी लोग एक मीटिंग किए, उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी को बुलाया गया था, हम लोग आए हैं, सबकी राय लिए गए, आगे से कोई भी अन्य अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से बिजवगंज सड़क को हम लोग चक्का जाम करने की बात होंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली से ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विदेश से भारत में आने वाला व्यक्ति का मामला थाना फरीदपुर से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने एक नाइजीरियल ठग को हिरासत में लिया है, जो ऑनलाइन करने वाले गैंग का सदस्य है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया जब वो ठगी के पैसों को लेने बरेली पहुंचा था। हिरासत में लिए गए जिसके पास न तो पासपोर्ट है न ही वीजा, फिलहाल पुलिस नाइजीरियल से पूछताछ कर अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। बरेली पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस हिरासत में आया नाइजीरियन ने बताया कि वो साइबर ठगी का काम करता है। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक नाइजीरियन जिसका नाम रॉबर्ट बताया गया है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में पता चला है कि उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा भी नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें उचित अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो विदेशी है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो साइबर ठगी के अपराध में संलिप्त था और यहाँ पर वो जिन खातों में पैसा आता था उन खातों से पैसा निकालने के लिए, जिन लोगों के नाम पर खाते खुले थे उन लोगों से मिलने के लिए वो आया था और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। कितना रुपये की कुछ जानकारी आई है कि कितने लोग हैं जिनके खाते खुले हुए थे, कुछ
गलत में जो वहाँ पे चार खातों के बारे में पता चला है, वो खाते अन्य राज्यों के हैं और उन खातों में दिल्ली के खाते हैं, राजस्थान के खाते हैं और नोएडा के खाते हैं। इनमें जो लोग थे वो थाना फरीदपुर के रहने वाले थे और इन खातों में लगभग 70 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन मिला है और वर्तमान में भी काफ़ी पैसा उसमें अभी है और उसको पुलिस द्वारा अभी उनको फ्रीज किया गया है। किन धाराओं में सर मुकदमा दर्ज किया गया? ये फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, साथ साथ अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या इनके और साथियों को भी नेटवर्क तलाश, क्योंकि ये बहुत बड़े गैंग से हैं, खासतौर से ऑनलाइन ठगी का होता था? अभी इसमें अभी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और अन्य जो चीज़ें इसमें पता चलेंगी और अन्य लोगों का भी इसमें संलिप्तता नजर आएगी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। योगा गुरु बाबा रामदेव अपने करीबी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। शिमला घाट पर परिवार की ओर से पूजा में बाबा रामदेव भी शामिल रहे। इस दौरान बाबा रामदेव ने बताया कि तमिलनाडु के सुब्रमण्यम, जिनके साथ उनका आत्मीय संबंध था, उनकी मोक्ष की कामना के लिए आज हम उनके परिवार के संग काशी आए हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा घरेलू संबंध है। बाबा रामदेव ने कहा कि अंतिम यात्रा में अपने करीबी के साथ होना ये अपना उत्तरदायित्व तो समझता हूँ, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ आया हूँ। वहीं राजनीतिक बातों पर बाबा रामदेव ने बोलने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु से सुब्रमण्यम शर्मा, जो हमारे बहुत ही आत्मीय श्री कृष्णमूर्ति जी और अनुराधा जी के पिताजी और कृष्णमूर्ति जी के ससुर जी का आज शरीर यात्रा पूरा हुआ और उनकी मोक्ष की कामना के लिए, उनके भगवत शरणागति के लिए, उनके अंत्येष्टि के लिए आए, क्योंकि उनके साथ एक आत्मीय संबंध है और अंतिम यात्रा में अपने आत्मीय जनों के साथ खड़ा होना ये मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए। रूरा सिवली रोड पर हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में चालक सहित करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को देवीपुर CHC में भर्ती कराया गया है। आधा दर्जन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे। कोतवाली शिवली क्षेत्र के देवपुर गांव के पास की है घटना। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।